आपकी आंखों में प्यार है, शुक्रिया बहुत बहुत सबको, प्यार प्रणाम नमस्कार। लक्स आइकॉन अवार्ड, गोल्डन अवार्ड का गेम, वाह कुछ ज़्यादा ही तादाद में आई, अच्छा लग रहा है। अच्छा भी रहा, बुरा भी रहा, जैसे होता है हर इंसान की कहानी। इंडस्ट्री के खूबसूरत इंसान कई सारे चले गए, विनोद साहब, शशि जी मरहूम। अच्छी बातें भी हो रही है, मतलब शो मस्ट गो ऑन चल रहा है, भिड़ू चल रहा है, बिंदा चल रहा है। कैसा फील करना चाहिए एक बाप को, भिड़ू उसका बच्चा अगर पास होता है तो तेरा तू भी तो मतलब तेरा पापा खुश होता है ना, एक अच्छा इंटरव्यू आप लेके जाते तो। बहुत सारी अच्छी पिक्चरें आ गई ब्रो, वक्त मिला नहीं देखने का। मैं देखना चाहता हूँ कुछ को, देखना पिंक देखना चाहता हूँ, वेंटिलेटर देखा अच्छा था, देखता हूँ ज्यादा देखूंगा ब्रो, वक्त नहीं मिल रहा है ब्रो, अनाज उगा रहा हूँ बस, यहाँ वहाँ दोस्तों के फार्म पे चला जाता हूँ और खेती बाड़ी करते रहता हूँ, वहाँ पे वो कनेक्शन भी नहीं रहता है, कम रेडिएशन है भाई वहाँ बड़ू क्या। हाँ क्यों बे, बारिश में भी तो होती है बे, ठंडी चीज है ना बे, रेडिश है वो सब आएगा ना, अभी कैरेट वेरेट ये सब घुस रहे हो अंदर, गाजर बाजर सब आएगा, बटाटा रतालू। क्या बोलूँ, शर्म की बात है यार, क्या बोलूँ मैं तेरे को भिड़ू, तुम्हारा क्या कमेंट रहेगा डार्लिंग, तू बता ना, अपने माँ बहन को ऐसे कोई कर तो तेरे को क्या लगेगा, क्या बातें कर रहे हो, ऐसे रिएक्शन मत पूछो जिसको तुमको जिसका आंसर मालूम है डार्लिंग, कुछ नहीं है तो आता हूँ। दरवाजा बना, अभी तक खरीदा नहीं रोड।
खाने जाने Any questions? Hi, how are you, bro? What are my expectations? I'm looking forward to some good performances more than anything else. Thank you. Hello, good evening everyone. Hello. Thank you. जी मेरी स्टार्टिंग विद व्हाट आई एम वेयरिंग मेरी एक बहुत अच्छी स्टाइलिस्ट है आस्था शर्मा. आई एम वेयरिंग सचिन एंड बाबी एंड आज हम हिंदुस्तान की अनेकों खूबसूरत एक्टर्स को सेलिब्रेट करने वाले हैं. सो आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर द इवनिंग एंड या आई एम होस्टिंग बिट ऑफ इट विद शाहरुख सर. सो आई एम एक्सट्रीमली एक्साइटेड. I mean the evergreen, everlasting Rekha ma'am is I think the most stunning, sabse khoobsurat, sabse stylish actor hai wo and she has to be everybody's all time favorite. Good evening, Bhumi. You have also been nominated. Can you express your views like on being nominated for this? So I'm very excited. I mean, I've always said when you're nominated and your work is appreciated, it's extremely motivating and encouraging, especially for somebody like me. I've just like started off. I'm 3 films old. So, you know, every time there's a nomination, you win, it feels really good. And I just want to thank everybody that nominated me. सर एक्चुअली मुझे इसके बारे में नहीं पता. सो आई डोंट नो व्हाट टू से बट था क्या लाइक मैं कैसे कमेंट करूँ. हाँ जी जी ओके
इंस्टाग्राम के जरिए मतलब बताया ओके कंप्लेंट हुई आज वेल आई एम रियली अपॉल्ड शी इज अ चाइल्ड एंड ये हमारे कल्चर में एक प्रॉब्लम है जहाँ पे लोगों को लगता है स्पेशली अगर आप एक अभिनेत्री हैं कि आप उनकी प्रॉपर्टी हैं जो एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है बट आई एम वेरी हैप्पी अगर उसने आई डोंट नो हाउ शी पुट इट ऑन सोशल मीडिया और समथिंग उन्होंने वो किया सो आई एम रियली ग्लैड दैट उसने वो स्टेप लिया बिकॉज यू नीड अ लॉट ऑफ करेज टू स्पीक आउट एंड टेक अ स्टैंड फॉर अ थिंग लाइक दैट सो आई मोर पावर टू हर the prep is going great. We are going to start very soon. And yeah, it's a phenomenal script. So I'm really excited to start shoot. Is there a bit of nervousness? Oh yes. There's a lot of nervousness, especially working with Abhishek Chaubey. He's such a phenomenal director. I think, when the team is so good, even my co-stars and my co-actors, there are some brilliant people that are in the film. So, it's time, you always want to up your game and nervousness is good. It's good nervous energy. Honestly, it's an amazing experience. It's an amazing feeling because being an actor, you work towards getting successful films. But at the same time, it's also very humbling and you feel good that your instinct and your gut worked. So I think, again, just encouraged by all the success that I've seen this year and it comes back to the same thing that content is king. So it sort of reiterates the fact that always go for strong stories and strong characters. I'm actually still confused about are they getting what's happening with them but if it is congratulations I think they are quite a power couple and they are quite amazing individually and together so yeah loads of congratulations yeah thank you bye Are we doing this? थैंक यू मैंने आज एफ सी यू के का कुटियर कलेक्शन में से एक आउटफिट पहना है और आज की शाम के बारे में मैं क्या कहूँ आज की शाम जो है वो खूबसूरती को सेलिब्रेट करने के लिए है वुमेनहुड को सेलिब्रेट करने के लिए है और एस आर के होस्ट कर रहे हैं सो आई एम श्योर इट्स गोना बी रियली फन फील्ड इवनिंग और मैं आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट आई थिंक मैं करीना कपूर खान की बहुत बड़ी फ़ैन हूँ और हमेशा रहूँगी आई थिंक शी इज़ अ फ्लॉलेस ब्यूटी नो आई हैव नो आइडिया जी एक तरफ हम सेलिब्रेशन कर रहे हैं दूसरी तरफ इस तरह भी हो रहा है
जी आई रियली हैव नो आइडिया वॉट टू से अबाउट दिस, क्योंकि यू नो ये हर आए दिन हमारी कंट्री में होता है एंड रादर देन फोकसिंग ऑन इशूज़ लाइक दिस आई डोंट नो वाई आर कंट्री एंड द यू नो रूलर्स एंड केयर टेकर्स ऑफ आर कंट्री आर रियली बिहाइंड मिनिस्क्यूल मैटर्स. आई थिंक जिस तरीके से हम वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं और वुमेन सेफ्टी की बात करते हैं, आई थिंक सिर्फ बातें करना ज़रूरी नहीं है. आई थिंक वी शुड टेक सम एक्शन टूवर्ड्स इट टू स्टॉप ऑल दिस नॉनसेंस फ्रॉम फाइनली हैपनिंग. अनुष्का और विराट को मैं क्या बधाई दूँ, आई मीन मैंने भी ये सुना ही है आप लोगों के ज़रिए ही कि दे गेटिंग मैरिड. आई रियली हैव नो कॉन्फर्मेशन ऑन दिस, बट इफ दिस इज़ ट्रू आई विश देम ऑल द आई विश बोथ ऑफ देम ऑल द वेरी बेस्ट एंड अ फेरी टेल लाइफ अहेड. I think Aksar too is a thing of the past now. Today we are, tonight we are here to celebrate beauty and womanhood and we'll talk about that. Thank you, thank you. Sorry, 1 second, wait, I'm gonna pass. So happy this man is. He's so, he was like, oh, so happy. How are you? Sari mera favorite attire hai. Sabse elegant kapde hai sari. Sari actually I think bahut feminine hai. Actually sabse feminine hai. But for me sari is just for very very special occasions. I don't usually wear them, but so aaj actually Lux Golden Rose Awards, it's actually for women empowerment and women, and so it's a very very special occasion today. Hi, why are you on that side, why are you not this side, kya hua, kyun bahar hai, allowed nahi na andar. I know. Oh yo, okay, next time. लेकिन पहले आज आई थिंक यू वर इनसाइड, आज क्या हुआ, अलाउड नहीं है, इट्स ओके. आई डोंट नो एक्चुअली इफ आई हैव बीन, आई एम परफॉर्मिंग टुनाइट, सो यस, बट एंड आई एम हियर जस्ट टू यू नो सपोर्ट एंड एनकरेज ऑल द गर्ल्स हु हैव बीन अवार्डेड एंड ऑल द एक्ट्रेसेस एंड अमेजिंग वुमेन. I think that, you know, obviously we have to continue working hard at making sure that everyone enjoys equal rights. There's absolutely no tolerance towards violence. So yeah, I think we have to continue working hard towards that, and it's a joint effort. Society has to work together for it. No, absolutely not. I mean, I've worked with Tiger before. There's no reason for me not to work with him again. And I actually would like to say that something very exciting is coming up, but I won't say it now. I'm so excited. Honestly, I'm so, so excited. I think it's an amazing, amazing news. I'm really, really happy for Anushka and Virat, and I can't wait. I can't wait for their wedding. Yeah. कन्फर्म नहीं किया, बट ही टोल्ड मी, आपने उसने कन्फर्म किया, मैंने पहली बार सुनाया एक्चुअली, इनविटेशन नहीं मिला अभी तक. क्या शादी हुई, नहीं, ओह माय गॉड, दिस इज सो कूल. अच्छा, हाँ, दिन लेट्स सी. आपको नहीं बुलाया क्या? नहीं, कुछ नहीं, मैंने कुछ नहीं बोला, प्लीज. अनुष्का इज़ गोना किल मी. दिस इज कंफर्म, कंफर्म्ड है. ठीक है, ऑल द बेस्ट. लव इज इन द एयर. जुड़वा 3. Yeah.
okay? A lot of people going on. Yes. Thank you. Okay, so I'm wearing Gavin C. Miguel, and you mean jewelry? Anmol Jewelers. जी खासियत ये है कि बहुत सिंपल है और काफ़ी क्लासी कलर पहना है. न्यूड कलर इज़ माई फेवरेट, तो इस करके पहना है. एंड प्लस आई एम नॉमिनेटेड ऑल्सो फॉर इमर्जिंग ब्यूटी, सो आई एम मोर देन हैप्पी. जी देखिए, मैं यहाँ पे लक्स गोल्डन, लक्स गोल्डन, लक्स गोल्डन रोज अवार्ड्स में हूँ, जो कि ग्रैंड सेलिब्रेशन है मोस्ट ब्यूटीफुल वेमेन इन दी बॉलीवुड का, और साथ ही साथ जो भी आइकॉनिक परफॉर्मेंसेस किए हिंदी सिनेमा में एक्ट्रेसेस ने, उसका ये बहुत ही बड़ा ग्रैंड सेलिब्रेशन है. सो आई एम सो मोर देन हैप्पी एंड प्राउड टू बी हियर. यस, जी मैंने वो वीडियो देखा, बिकॉज आई वॉज ट्रैवलिंग, आई जस्ट लैंडेड फ्रॉम गोवा, एंड आई थिंक मैं अगर होती, जो ऐसे मेरे साथ भी मेरी फ्रेंड के साथ अपेरेंटली, एक जब हम बहुत छोटे थे एक शादी में, वी वर अटेंडिंग अ मैरिज, तो किसी ने कुछ बदसलूकी की, तो उसी वक्त मैंने जो भी वो जेंटलमैन थे उनकी फिंगर पकड़ के, I was a fighter. I knew it कि अगर वो उस टाइम अगर कोई भी अटैक कर रहा है, तो as a girl you have to be really very strong कि आप उसी टाइम उनको मुंह तोड़ जवाब दे सकें. और जो उनके कुछ पिक्चर्स देखे कि वो आगे बैठे हैं और पीछे से वो सब है, आई थिंक द गर्ल्स नीड टू बी मोर स्ट्रॉन्ग एंड इंडिपेंडेंट. यस यस यस. जी हाँ, सी ऑल दीज एक्सपीरियंसेस दे टीच यू लॉट ऑफ थिंग्स, किस तरीके से आपको चीज़ें टैकल करनी हैं आगे फ्यूचर में. तो मैं ये नहीं कहूँगी बैड एक्सपीरियंस तो था ही, बट साथ ही साथ आप सीखते हैं कि आपको कैसे आगे चल के फाइट करना है और क्या आपको स्टेप लेना चाहिए उसके लिए. All the best to Virat Kohli and Anushka Sharma. What? Thank you. Thank you. You would ask what? Hate story 4? What? Khush Khabri? Okay. No. Hate Story 4 is releasing next year, Holi, 2nd of March, 2018. Thank you. So what? Do you have anything to say? Should I just walk past? For what? Yeah, so. Do what? Probably the one of full shot, which is why they want to stand up. Yeah. Question!
Yes. Okay. Okay. Hi, this is Jacqueline Fernandez wishing all of you guys an amazing, amazing 2018. Hello? Oh, still? I don't want to give anything to you. Yeah, of course, because nobody knows the future. I think people have their own imagination, their own plans in life, and sometimes things fall when you don't plan it also. I feel planning is like challenging God, and this is what you talk about. Yes. Well, as intelligent as he could be, and in every field, I think he's a very, very classy man, and we all look up to him. The moment you said bathtub, I don't remember it. Yeah, I saw that. But तुम एकदम उस आसमान और पाताल की बातें करते हो ना? I think it's very sad what happens with Zaira, and I have my whole concern and sympathy with her. And I think whatever has to be, whatever legal actions or whatever has to be taken should be taken with firmness. Is that all? Hi guys, this is Neetu Chandra and wishing you all a very, very, very happy new year. Aap sab ko 2018 ki shubhkamnaye. Thank you. Aaj 17 bolne wale hain. बाद में लेंगे अरे जब तो आएगा आ जाएगी वो इधर को आ जाए फिर चिल्लाएंगे इधर Thank you.
might just stop here. Go there. No. Come here. हाँ जी, थैंक यू नीता लुल्ला। मैं बहुत कंफर्टेबल फील करती हूँ, जो मैं डालती हूँ वो इसलिए डालती हूँ कि वो कंफर्टेबल फील करूँ मैं, वरना मैं वैसे कपड़ा डालूंगी ही नहीं जिसमें कंफर्टेबल नहीं हूँ। लेट द अनाउंसमेंट कम फ्रॉम प्रोड्यूसर्स, देन आई विल गिव यू रिएक्शंस आफ्टर दैट। एकदम मुड़ मुड़ के ऐसे वाले, एक एक करके पूछो, सबके आंसर देती हूँ। हाँ हर टाइम मैं ना बहुत बदलती रहती थी काफ़ी टाइम बाद, तो वो माधुरी मैम से लेके करिश्मा तक, और अभी आज की जनरेशन में तो यार देयर आर सो मेनी ब्यूटीफुल गर्ल्स हु आर गुड एक्ट्रेसेस आल्सो। अब वो जो रेयरिटी है ना कि भाई ये सिर्फ कैन लुक गुड और दिस वन कैन ओनली एक्ट, आई डोंट थिंक इट स्टैंड्स ट्रू एनी मोर। एक नाम लेके बाकियों को नाराज नहीं करूँगी मैं। I just hope she gets justice. मैं इतना ही बोलूँगी। Good that at least she has raised her voice. चुप करके बैठने से तो better ही है। और मतलब मैंने by chance वो चीज़, मतलब मैंने तो कुछ बोला भी नहीं था इससे पहले, ट्विटर पे लोगों ने मुझे बोलना शुरू कर दिया कुछ, तो उसका जवाब भी दिया मैंने अभी रिसेंटली एक ट्रोल को। बट एनी वे आई जस्ट होप जस्टिस मिले उसको, मतलब बिकॉज शी हैज़ रेज द कंसर्न, शी डिजर्व्स टू गेट जस्टिस नाउ। यार पहले पता तो चले हो गई है शादी की, नहीं तुम क्यों बेचारों के पीछे पड़े हो यार। लेट देम गेट मैरिड इन पीस इफ एट ऑल दे आर गेटिंग मैरिड, अदरवाइज जस्ट लेट देम बी, इट्स देयर लाइफ। हाँ क्या मुझे नहीं पता यार, हो रही मुझे नहीं बुलाया, तुम्हारे को नहीं बुलाया तो तुम्हें बड़ा बुरा लग रहा है। नहीं मुझे नहीं मिला यार, तुम लोगों ने खबर, तुम लोगों को सबको बुरा लग रहा है कि तुम लोगों को इन्वाइट नहीं किया इसलिए ऐसी खबरें डाल रहे हो। मुझे उसके लिए भी नहीं बुलाया, मुझे नहीं बुलाया, सॉरी यार। हाँ जी ऐसा सुनने में आया। यार द फैक्ट दैट दिस इज़ गोना बी ओनली अबाउट वुमेन, दैट इज़ वन थिंग दैट मेक्स इट स्पेशल। बाकी अवार्ड्स एंड विनिंग अवार्ड्स इज़ जस्ट प्रॉब्ली वन ऑफ द रीजन्स टू सेलिब्रेट द night, it's not only about that, I feel it's just the fact that all the beautiful and talented ladies are going to get together on one stage at the same time. I think I'm here to enjoy that. I think the charming and chivalrous man that he is, I think he's perfect for this kind of an occasion. Thank you. Yeah.
Where she got? Can you adjust my thing? Okay. Shweta. Sorry. Hi. Thank you so much. We just saw each other, yeah? Matching, twinning in green. Well, I'm wearing a Zara Umbrigger dress, and yeah, I mean, I think it's quite pretty. But, and yeah, we decided to go a little, you know, a bright pop lip and, you know, slightly severe hair just to break it up a little. Mm-hmm. I mean, I can't pick one. There's so many of them, and I'm really looking forward, you know, to the Lux Awards because, you know, they celebrate beauty in all forms. You know, beauty for looking beautiful, but also, you know, for the spirit and for the personality. You know, for being courageous to take on challenges. And so I think that's really important, and that's a really nice gesture. So I'm really looking forward to seeing who's winning what. I mean, I don't think that I'm in a position. I don't even know if that's true or not. So yeah, thanks. One more, ma? Hello. Kya kehna chahenge? Oh, now the mobiles are also there. Yes, Hanji. एक्चुअली आप देखे तो रंग सिर्फ सात हैं तो और एक्ट्रेस इतनी सारी तो ऐसे कैसे हो सकता है कि कोई कलर कोऑर्डिनेटेड नहीं हो सो इज आई थिंक इट्स रियली अम्यूजिंग एंड इट्स वेरी स्वीट बट इट्स इंटायरली डिफरेंट आउटफिट्स एंड इट्स टू डिफरेंट इंडिविजुअल्स ऑब्वियसली दोनों के आउटफिट्स अलग ही दिखेंगे Yes, thank you. I don't know if I'm getting an award, but I think I'm very happy to have been nominated in two categories. And more than that, I'm presenting a very special award tonight to a really, really special actress who's an iconic figure. So I can't reveal it right now, but I'm really excited for that. Obviously, it's extremely. I didn't even see. Sorry. Oh, sorry. I couldn't say. I think it's extremely. It's extremely sad. It's extremely shocking, and I'm very surprised the way it's been reported. Just tarike se. But I'm sure let the facts come out. I can't wait for the culprit to get behind the bars, of course. And I think an FIR has been filed, but we should wait for the facts to also come out. Thank you. Thank you.
नहीं नहीं कैमरे का वो जो फ्लैश का अच्छा ये चीज रुको ये कैमरे का फ्लैश आगे आगे ले मैं सामने देखूं Well, today is a wonderful evening. This is the Alux Awards, and it's always fun to be here. It's always fun to do an interaction with Shah Rukh. You never know what he's going to do and, you know, what masti he's going to be up to. Alia's performing, so I'm looking forward to seeing that award, that event as well. It's very ajeeb to look up, huh? I'm looking down. I think Rekha ji for me, she really is an incredible, ideal woman in every way. I think she's flawlessly beautiful, she's eternally graceful, incredibly talented, and has perfect poise. I'm very sorry, abhi tak I don't know anything about this. So now we've come to that part of the night. Now, so this part of the night, this is what I do. I'll be seeing you on Christmas, I'll be seeing you after that, I'll be seeing you. But anyways, Happy New Year. I hope everyone's enjoying the Christmas season coming in. And everyone, in advance, Happy New Year wishes. Perseverance, I like it. I like perseverance. But tell me, just let me पहले बता दीजिए चल
जी, मैं ये कहूँगी कि आज हम यहाँ पर विमेन को सेलिब्रेट कर रहे हैं, उनकी स्पिरिट को, उनकी ब्यूटी को, उनकी स्ट्रेंथ को सेलिब्रेट कर रहे हैं। और मैं बीइंग अ सिंगर, मैं आई थिंक वो गा कर सेलिब्रेट करना चाहूँगी। तो एक बहुत ही ब्यूटीफुल एंथम है जो मैंने गाया है, लक्स एंथम, जो कि लड़कियों के लिए कह रहा है कि वो रो के नहीं रुकेंगी, झुके नहीं झुकेंगी, और वो जो दिखती हैं उससे कहीं ज़्यादा हैं। सो ये लक्स एंथम है जो आज मैं परफॉर्म करने जा रही हूँ, और वेरी वेरी हैप्पी टू बी पार्ट ऑफ लक्स ब्यूटी अवार्ड्स। श्योर। रुके ना वो रुके, झुके ना वो झुके, दिखे वो जो दिखे वो है उससे कहीं ज़्यादा। थैंक यू, थैंक यू। कैसे हो? I'm wearing Tony Ward, it's a Lebanese designer, stunning. I feel good. Very excited. Last year I won the Debutante Award, so it was the first award I've ever won, so it's a very special award for me, the Lux Golden Rose. Yep, thank you. New Year wishes, I think you all need to give me New Year wishes now. thank you so much. But Happy New Year to all of you out there. Then now let me finish this, then I'll go there. Hello. Yes. Are you talking about beauty? I don't know. I always feel that beauty comes from within. And we have a lot of beautiful actresses. I think all Indian actresses are beautiful. I can't take just one name because there's Deepika, there's Priyanka, there's Katrina, there's Alia. There is beautiful women on Indian screen. I don't know, I don't have one favorite. I like them for different reasons. Like I like Alia because she experiments with her role. She's a very good actress. She's extremely natural in front of the camera. There's Deepika, who's extremely gorgeous, and you know, she can carry the historical roles very beautifully because she has that aura. There's Priyanka, who is fabulous. You know, I just love her as an actress. You put her into any sort of a role and she just does it so well. So you know, there are different actresses I love. सॉरी, मुझे इस बारे में कुछ पता नहीं है, सॉरी। जब मुझे पता चलेगा तो मैं ज़रूर कमेंट करूँगी।
नहीं ऐसा होना ही नहीं चाहिए कहीं भी, ना इंडिया में ना इस वर्ल्ड में, कहीं भी ऐसा होना नहीं चाहिए, ये बुरी बात है जी। जब वो मुझे बताएंगे कि वाकई ऐसा कुछ हो रहा है तो मैं बताई दूंगी। थैंक यू, थैंक यू। आपने एंगल ये कौन सा लगाया हुआ है? एक सेकंड रुको, पहले सेट करने दो, उसके बाद फोटो लो। Excuse me.
Hi. Saga. Lux Golden Rose Awards है तो obviously women को celebrate कर रहे हैं तो I think that's what makes us all looking so beautiful tonight. I think. नहीं प्लीज थैंक यू. आई थिंक दैट मैं आई थिंक ऑल दी एक्ट्रेसेस बीइंग जिन जिन को अवार्ड मिल रहा है आज रात को आई थिंक ऑल ऑफ देम बीट आलिया दीपिका कटरीना आई थिंक ऑल ऑफ देम आर ऑल ग्रेट अचीवर्स अपने खुद के करियर में काफ़ी वी ऑल वर्कड फॉर मोर देन 12-15 ईयर्स सो किसी एक का नाम लेना तो बुरा लगेगा बिकॉज फॉर मी आई थिंक एवरीबडी इज़ एन अचीवर. But I definitely feel women are anyway way more superior than men. We are fighters और हम जैसे भी situation हो हमारी life में personal हो professional हो we all come out as fighters because जैसे मैंने वहाँ भी कहा कि whether it's भगवान को भी हम लक्ष्मी कहते हैं औरत के और से देखते हैं औरत की तौर से हम उनको पुकारते हैं लक्ष्मी जी अगर हम धरती की बात करते हैं तो धरती माँ करके बुलाते हैं तो वी आर ऑल जब भी कुछ वी डिस्कस समथिंग लाइक दिस वी ऑल टॉक अबाउट विमेन सो आई थिंक विमेन जो है बहुत ही सुपीरियर है तो वी विल फाइट आउट ऑफ एवरी सिचुएशन इन लाइफ. क्या आई मीन आई डोंट नो व्हाट न्यूज़ हैज कम सो आई डोंट नो. वो भी 18 मई को रिलीज होगी तभी बात करेंगे. Thank you. Obviously, बहुत बुरा लगता है. I'm very proud of Padmavati as a film, and I'm extremely thankful for Sanjay sir to give me this opportunity. I have a very bad throat right now, but I'll try. So I'm saying that I'm extremely proud of the film. I'm extremely thankful to Sanjay sir to give me this opportunity. It's a beautiful film. And I'm sure the audiences are going to love it when it comes out. हाँ problem हो रही है but मुझे लगता है कि थोड़े time में भी settle हो जाएगा and you will soon see the film. I cannot comment upon this. I don't think I'm in a place to comment upon this at all. I think. And she looks wonderful tonight. Thank you. सो जैसे कि पहले आर्टिकल्स में निकला हुआ है आई एम प्लेइंग शाहिद दैट इज़ रावल रतन सिंह फर्स्ट वाइफ नागमती. इट्स वेरी इंटरेस्टिंग कैरेक्टर. आप फिल्म देखने का इंतज़ार करिए एंड देन यू शुड टेल मी हाउ यू फाइंड इट. जी मैं इस बारे में कुछ भी नहीं कह सकती. थैंक यू सो मच. Thank you.
हाय अगेन, कैसे हो आप? बढ़िया बढ़िया. रोजेस रोजेस बहुत है, गोल्डन रोजेस है एंड अवार्ड्स है, लक्स है, सब कुछ है. बहुत बहुत एक्सपेक्टेशंस है. काफ़ी अच्छा अवार्ड शो है, काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव है एंड हम लोग मतलब ऐसे अवार्ड शो में कभी नहीं शामिल हो पाते बिकॉज होते ही नहीं है. सो दिस इज़ वन ऑफ इट्स काइंड एंड आई एम रियली हैप्पी एंड प्राउड दैट आई एम अ पार्ट ऑफ इट राइट नाउ. हाँ, आंखों देखा हाल. शाहरुख सर बहुत ही उम्दा तरीके से, अच्छे तरीके से एंकरिंग कर रहे हैं. ही इज़ प्रेजेंटिंग अवार्ड्स टू द डिवास एंड ही इज़ चार्मिंग एज ऑलवेज. एंड यार मतलब आंखों देखा और क्या, इतना मैंने लाइव देखा. बाकी आई सॉ जूही मैम गिविंग प्रेजेंटिंग एन अवार्ड टू कैटरीना एंड ये लाइव ब्रॉडकास्ट है मेरा आपके लिए. उसके अलावा आप देख लेना टीवी पे. हाँ, इज इट गुड यू आर सेइंग? अरे यस इट इज़ गुड. या आई मीन इट्स अ ग्रेट इनिशिएटिव. आई थिंक इट्स द टफेस्ट जॉब. आई मीन वर्किंग इन द इंडस्ट्री ऑल्सो विद द लेडीज एंड विद ऑल द एक्ट्रेसेज. आई मीन हैट्स ऑफ टू देम, दे आर पुलिंग इट ऑफ सो वेल इन दिस इंडस्ट्री. एंड मतलब अगर आप वैसे भी बात करें कि इंडस्ट्री के अलावा भी, इफ़ यू टॉक अबाउट योर सिस्टर, योर मॉम, योर, इट्स द टफेस्ट जॉब टू प्ले. लाइक आपकी मम्मी का जॉब सबसे ज़्यादा टफ होता है. सो बींग अ लेडी इज आई मीन आई एम इट्स अ सल्यूट टू ऑल द लेडीज एंड आई थिंक इट्स अ ग्रेट इनिशिएटिव. Yeah, I would like to wish all the viewers a very happy new year. Thank you so much. Thank you.
3 seconds. I'll take 3 seconds. Come. Hello. Namaste. That's a very good question. Ami? Tattoo Mashi. हाँ अगर बुलाएंगे तो मैं बहुत खुशी महसूस करूँगी क्योंकि रेड हॉट तो पता नहीं बट डेफिनेटली रेड इज़ द कलर ऑफ द सीजन. अभी दिसंबर का महीना है सो आई एम एक्सप्लोरिंग द रेड. आई एम नॉट बीन अवॉर्डेड येट बट थैंक यू फॉर द इन्फॉर्मेशन. I think being associated with Lux number one feels amazing. It's a great honor, and being amongst such beautiful divas and actresses that I've looked up to all my life is again a very, very big honor. I think all of them are timeless. They're just one. I think I'll name Madhuri ji and Sridevi ji both. Okay, I've not heard of any incident. I've been here all day. So I don't know of the information, so I can't comment on that. But I think just to talk about it only is very, very disturbing. And even think about something like this, it is genuinely very disturbing. So I don't have anything. I think power performance of the year something. Well, I'm honored. I mean, extremely flattered. And as I have been associated with Lux for many years,
So I'm extremely happy to be part of this. Who for you is the timeless beauty? Timeless beauty, it's very difficult to just name one because... Also, we would like to congratulate you for the first posters of your daughter. How does it feel as a parent? It's a great feeling. Like, I'm excited, nervous, happy, concerned, as any mother would be. But she's very hardworking and very dedicated girl. So I hope... It's very unpleasant thing to, you know, to know it is really scary and it is very, very upsetting. It really scares me. So, what do I say? I'm in shock. Thank you guys. Ma'am, 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 Thank you.
चलो आ जाओ Hello, how are you? Very good. I was very nervous. मेरी एक बहुत लंबी चौड़ी परफॉर्मेंस थी 6.5 मिनट की. So I think it went well. I am very happy because I didn't forget anything. So yeah, I wrapped a day back, which is why the hair color changed. Wonderful, like he is so sincere in every single shot that you stand and like in the same, like, first of all I really want to say that you feel so lucky just by standing in the same frame as him, and every day on set I have learned something. I have immense love, immense respect for that man, and I'm just so glad I'm a part of this project. Ji. We'll cross the bridge when we come to it. पता नहीं जो भी करे आई मीन ओके जोक्स अपार्ट मैं भी एक्चुअली आप सबकी तरह बहुत उत्सुक हूँ जानने के लिए कि कौन होने वाला है. मैं उनको फ़ोन मैसेज करती रहती हूँ कि मेरे को बताओ कौन होने वाला है. तो हमारे जो प्रोडक्शन HOD है, हाँ उन्होंने बोला है तू चिंता मत कर, जैसे ही साइन होगी मैं सबसे पहले तुम्हें ही फ़ोन करके बताऊँगा. तो मुझे नहीं पता. I genuinely don't know, but I hope it works out, and I really think she's a very good actor, and she'll do a great job at it. Thank you. जी. अब मैं क्या बताऊँ इस देश के बारे में. इन ऑन वन हैंड हम वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, और दूसरी तरफ इस तरह के we hear about all these incidents happening, but I think it's very important to not just stand against it or talk about it in hindsight, in the sense ki jab ho jata hai hum uske bare mein baat karte hain us waqt, usse pehle educate karna at some level I think it has become very important, and I genuinely don't know what to say, but it deeply saddens me that is tarah ki cheeze aaj
आजकल हम जहाँ जैसी लाइफ लीड करते हैं, जिस तरह की एजुकेशन हम सबको मिल रही है, इनफैक्ट गांव में भी, स्मॉल टाउन्स में भी, द एजुकेशन, द स्कूल्स एंड एवरीथिंग, इट्स प्रॉम्प्ट, इट्स देयर. आई मीन वी आर स्टिल डेवलपिंग एंड बहुत सारे ऐसे रूरल एरियाज हैं जहाँ पे पीपल आर नॉट एज एजुकेटेड, बट दिस इज जस्ट रियली सैड. एंड आई थिंक एक बहुत ही छोटी मेंटालिटी को दर्शाता है ये. एंड आई फील मनी, चूंकि आपने अब बॉलीवुड में कदम रख दिया है, तो अब टीवी के लिए क्या नजरिया होगा, कब टीवी चूज करेंगे? मैं सब करूंगी. मैं टीवी नहीं, बिल्कुल नहीं, ये मेरा होम है. मैं बार बार बोलती हूँ, मैं बहुत पोजेसिव भी हूँ टीवी को लेके. टीवी ने मुझे सब कुछ दिया है. आई हैव इमेंस लव एंड इमेंस रिस्पेक्ट फॉर टीवी, टेलीविजन एक्टर, पीपल हु वर्क इन टेलीविजन, आर डायरेक्टर्स, आर स्पॉट दादाज. यू नो, वी लिटरली वर्क लाइक अ फार्मर, लाइक अ लेबरर. यू नो, वी आर वर्किंग डे एंड नाइट एंड सब कुछ ब्यूटिफुल बनाने के लिए. जिस तरह से फार्मर्स, आई मीन यू नो, यू दे वर्क सो हार्ड ऑल डे इन द सन एंड देन यू वी गेट टू ईट आर राइस एंड रोटी एंड एवरीथिंग. इन द सेम वे वी वर्क डे इन एंड डे आउट. सो देर इज नो वे दैट आई एम गोइंग टू लीव टीवी. सो आई एम गोइंग टू एवरीथिंग. आप हमेशा हाइपोथेटिकल बातें करते हैं. अभी मतलब मैं पर ऐसी हूँ नहीं ना, मैं बहुत, आप मुझे जानते हैं इतने सालों से, आई एम अ वेरी प्रैक्टिकल रियल पर्सन. आई लाइक टू टॉक अबाउट थिंग्स दैट आर हैपनिंग. आई डोंट लाइक टू लिव इन सम इमेजिनरी वर्ल्ड. आई डू ऑल माई लिविंग इन द इमेजिनरी वर्ल्ड व्हेन आई एम रीडिंग माई बुक्स. सो थैंक यू. हो गई क्या? अरे मैं तो बहुत खुश होंगी अगर ऐसी कोई बात है तो. एंड आई विश देम बोथ अ वेरी हैप्पी, वेरी मीनिंगफुल जर्नी अहेड. थैंक यू. व्हाट अबाउट मी? वी विल क्रॉस द ब्रिज व्हेन वी कम टू इट. थैंक यू, हैव अ ग्रेट इवनिंग. Well, a very, very happy and prosperous New Year 2018 to all of you guys. Dream big and yeah, stay happy. Thank you. Hi guys. Good evening. Probably a very wonderful night. How kya tha andar kuch batayenge aap? Abhi to main andar ja raha hu. Abhi main ja raha hu, mera performance bhi hai aur Bollywood ki bahut hi khoobsurat heroine andar hai. Meri favorite Madhuri bhi hai, to main unko hi bolne ke liye bahut utsuk. नहीं, ट्रिब्यूट तो मैंने अभी कुछ हफ्ते पहले एक अवार्ड फंक्शन में दे दिया है, लेकिन हर दिन मेरा ट्रिब्यूट ही होता है उनको, क्योंकि बचपन से मुझे बहुत इंस्पायर करते हुए आए हैं और आज भी वो अंदर हैं. तो मैं फिर से उनको एक बार याद दिलाऊंगा कि आप मेरे बहुत बड़े, बहुत ही ज़्यादा मुझे मोटिवेट करते हैं लाइफ. एब्सोल्युटली. We all, I mean, like we talk a lot, and I think from the right places, right time, we need to take action also. And I think we are intelligent enough, and we are responsible enough as a country to see to it that these things don't happen. मुझे नहीं पता. अरे वाह, ये बहुत ही अच्छी खुशखबरी है. मैं थैंक यू बताने के लिए. मैं कंग्रेचुलेशन बोलना चाहूँगा दोनों ही. एक मेरी वन ऑफ माय फेवरेट एक्टर्स हैं और एक मेरे वन ऑफ द फेवरेट क्रिकेटर्स हैं, तो मेरे लिए तो डबल जॉय. जी हाँ, एक महीने पहले से कुछ थोड़ा तैयारी चल रही है.
तैयारी करने में बहुत मज़ा आता है, तो वो चल रहा है और मैं अभी केदारनाथ शूट भी कर रहा हूँ और ड्राइव भी रिलीज़ होने वाली है, तो उसकी डबिंग चल रही है, तो बहुत मज़ा आ रहा है। I don't think about future that much, and that is one thing which I've developed lately and is helping me a lot. You know, if you, it might sound very cliche, but if you take care of today, tomorrow will take care of itself. I have no idea. If I was getting one, I'll tell you. thank you so much. I just said that मैं बड़ा ही myopic इंसान हूँ, मैं आगे के बारे में ज़्यादा सोचता नहीं, आज मैं रहता हूँ, आज मैं दिल से जो भी करता हूँ दिल से करता रहता हूँ, कल take care of itself. हाँ, मैं सबको कुछ शुभकामनाएं तो ज़रूर दूंगा कि 2018 क्यों 19 20 21 जब तक गिनती नहीं जब तक गिनती आती है सारे सालों में आप हंसते रहें खुश रहें, मेरी यही शुभकामनाएं. मुझे अभी कुछ कहने के लिए मना किया गया है, लेकिन मैं हंस रहा हूँ. अब एज एन एक्ट्रेस मैं वही बोल रहा हूँ, अब वो बड़ी मेहनत कर रही है, मैं इतना बोल सकता हूँ, बहुत ही मेहनत कर रही हैं, और मेरा कुछ भी कहना अभी सही नहीं होगा. आप फिल्म देखिए और आपको पता चल जाएगा क्या. मैं एक ही चीज़ कुछ करने के दौरान फील करता हूँ, जो कि मुझे एक तरीके से अंदाज़ा होता रहता है कि किस तरीके की चीज़ बन रही है, मैं ज़्यादा सोचता नहीं इस बारे में, लेकिन जब मुझे बहुत मज़ा आ रहा होता है काम करने में तो सब कुछ अच्छा हो रहा होता है, और मुझे केदारनाथ शूट करने में बहुत 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 मज़ा आ रहा है. ज़्यादा पहले नहीं, मैंने तो अभी फिलहाल मैंने टिप्स यही दिया है, ये ऑलरेडी बहुत ही मेहनत और करके आई हैं, बहुत ही काबिल हैं, और उनको सब कुछ बहुत ही ज़्यादा पता ही है पहले से, लेकिन मैंने अपना बस एक एक्सपीरियंस शेयर किया उनके साथ कि आई डोंट फेयर फेलियर्स. मैं अगर कुछ करते वक्त मुझे मज़ा आ रहा होता तो फिर मैं सोचता नहीं फेल हो जाऊँगा तो क्या होगा, आई एम नॉट दैट केयरफुल, और ये एक चीज़ है जो आई थिंक लॉन्ग रन इट हैज़ ऑलवेज वर्क फॉर मी, तो मैंने उनको यही बोला कि जस्ट डोंट. उन्होंने कोई टिप दिया, उन्होंने कोई टिप दिया, बिकॉज़ जैसे आपने कहा कि वो गाइस गाइस इंडस्ट्री के हैं, तो उन्होंने कुछ आपको लास्ट क्वेश्चन हां, उन्होंने मुझे कहा कि और मेहनत करो, एक्टिंग और अच्छी कर सकते हो. थैंक यू.